हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज हमारी लाइट गई भी है सुबह से, और जो है ना, क्या कहते हैं, दूसरी मर्तबा जा चुकी है, तो लाइट ने बहुत प्रॉब्लम की हुई है। उसकी वजह से जो है ना, दो दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो आज मैंने बोला थोड़ी सी वीडियो बनाई जाए, तो कल भी मुझे 3 बजे के करीब बुखार चढ़ा है, तो ये ना क्या कहते हैं, बुखार था तो दवाई ली है। सुबह थोड़ा सा आराम आया, अभी थोड़ा फ्रेश हुई हूँ, काम वाम का फ़ायदा ने सारा कर लिया है, अभी दोपहर का खाना चढ़ा दिया है, तो जो है ना क्या कहते हैं, और सब ठीक है। बच्चे स्कूल गए हुए हैं, आज बच्चों का पहला पेपर है। दुआ कीजिएगा बच्चे, अल्लाह ताला बच्चों को साथ खैरियत से जो है ना, उनके मकसद में कामयाब करें, पेपरों में फर्स्ट लाए सबके बच्चों को, आमीन। और जो है ना, आज बारिश का मौसम बना हुआ है, रात से बहुत हवाएं चल रही हैं, बहुत ज़्यादा, तो बताया तूफानी बारिश का, तो जो है ना क्या कहते हैं, मौसम देखें बारिश का बना हुआ है। ये देखें बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, बहुत तेज़, और देखें कपड़े भी किस तरीके से हिल रहे हैं। देखें, आपको भी पता होगा अगर आप कराची के अंदर हैं, तो कराची के अंदर बहुत तूफ़ानी बारिश का बताया है, और जो है ना क्या कहते हैं, तूफ़ानी बारिश का बताया। थोड़ी सी देखें धूप निकली है, ये देखें मेरे पौधों के ऊपर, देखें मेरे पौधे कहाँ तक जा चुके हैं, पर फूल भी खिल चुका है। येलो कलर के फूल खिले हैं, ये देखें येलो कलर के फूल खिले हैं, और मेरे पौधे देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, ये देखें इसमें भी फूल खिला है, ये देखें इसमें भी खिले हैं, ये देखें, दो दो पीस वाली जामन है, पीस बना देते हैं बच्चे, क्या करें, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। बुखार पता नहीं क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, कुछ समझ में नहीं आता, बुखार से तो जान ही नहीं छूट रही है। बाहर देखते हैं बाहर का क्या हाल है, बाहर थोड़े कुछ लोग खड़े हुए हैं, इनकी वजह से बाहर मोबाइल नहीं कर सकती। हमारे इधर वैसे भी बहुत वारदातें होती हैं, बहुत ज़्यादा, समझ में नहीं आता क्या है। और दोपहर का खाना तैयार होने जा रहा है, बच्चों को लेने के लिए जाएंगे अभी, तो जो है ना क्या कहते हैं, सब खैरियत है, दवाई खाइए, और दवाई के साथ साथ जो है ना क्या कहते हैं, ठीक है, आराम है, आँखों की दवाई भी आँखों में डाली है, आँखों में जाला आ गया, तो क्या हो गया कुछ समझ में नहीं आता। ये देखें फ़ायज़ा ने खाना दोपहर का चढ़ा दिया, ये दाल बन रही है, आज उसने हमें दाल ही खिलानी है, और हम खा लेंगे, क्या कर, शाम को सोचेंगे क्या करना, शाम को ही खाना खाना है। और ये मैं अपने बेटे से मिलवाती हूँ आपको, आगे सीधी करो सीधी करो, ये देखे मुंह पे हाथ रखे हुए हैं, ये देख हेलो करो, हंसी इसको बहुत शर्म आ रही है, वैसे इसको शर्म नहीं आती है। फायजा हेलो करो, ले लो दुपट्टा, हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ, और अभी बिजी हूँ काम कर रही हूँ, अल्लाह हाफिज़। ये काम में लगी हुई हैं, खाना पकाने में, और लाइट तो है नहीं, एमरजेंसी लाइट चल रही है, ये देखें सुबह की लाइट गई हुई है, ये एक एमरजेंसी लाइट है जो चल रही है, और
पंखे की तो अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी पंखे की ज़रूरत पड़ रही थी, तो जो है ना क्या कहते हैं गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन अब गर्मी है नहीं वैसे, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। बच्चे अभी आएंगे 11:30 बजे स्कूल से, स्कूल से आते आते फिर बस उनको टाइम हो जाएगा मदरसे का, मदरसे के लिए जाएंगे, तो बस ठीक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो तो बना नहीं पा रहे थे 2 दिन से, तकरीबन पूरा महीना ही हो गया, 2 दिन छोड़ के 3 दिन छोड़ के जो है ना क्या कहते हैं तबीयत ख़राब हो रही है, कुछ थकन हो जाती है कुछ। आज मेरे से काम भी नहीं हुआ सुबह में, फायजा ने सारा काम किया है, तो मैं उठी थी तो सारा काम कर चुकी थी, मुझे उसने नहीं उठाया, तो जो है ना क्या कहते हैं बस अभी जा रही हूँ। थोड़ा टाइम क्या हो रहा है फायजा? 11:11 बज रहे हैं, तो भाई भाभी मेरा ख्याल से सौदा लेने के लिए गए हैं। मेरा बेटा तो आपसे बात नहीं कर रहा, उसकी शर्म बहुत आती है। मैंने बोला चले हम ही वीडियो बना लेते हैं, ना आज कोई ऊपर बच्चा है ना कोई नीचे बच्चा है, बहुत सन्नाटा है हमारे घर के अंदर बहुत ज़्यादा। मेरे हाथ में भी सूजन आई हुई थी, हड्डियों में दर्द हुआ और बुखार चढ़ा, पता नहीं कैसा बुखार है समझ में नहीं आता, तो दवाइयाँ खा रहे हैं, टेस्ट का बोला है टेस्ट करवाने हैं। मलेरिया का बुखार होता तो चलो मान लेते हैं, मलेरिया वो किसी मच्छर ने काट लिया हमें, लेकिन मच्छर क्या काटेगा, हम तो खुद ग्लूब जला के लेटते हैं, तो जो है ना क्या कहते हैं ग्लूब जो है ना रोज़ ही चलते हैं, रात दिन समझे 12 महीने ग्लूब ही चलते हैं, और इतने मच्छर भी नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी एक आधा मच्छर आ गया हमें ही डंग मार दे तो फिर बुखार तो होना है ना, जाहिर से बात है। अम्मी भी बैठी हुई हैं, छोटी बहन काम पे जा चुकी हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो आज मैं थोड़ा सा आपको बाहर का दिखाऊंगी, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, ठीक है? चलें ठीक है, अब मैं निकल रही हूँ थोड़ा सा बाहर, तो मैं आपको ऐसे ही मिलूँगी, ठीक है ना? तो बस थोड़ा सा दिखाऊँगी अगर मुनासिब लगा तो, जो है ना क्या कहते हैं बस थोड़ी देर के बाद। हाँ जी मैं रक्षा के अंदर बैठ चुकी हूँ, बस जो है ना क्या कहते हैं बात।